हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है ये 11 बज रहे होंगे शायद इस टाइम पे, और मैंने अभी अभी अपने बाल बनाए। कई बार क्या होता है ना, मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, लेकिन हेयर वॉश करने के बाद वही मेरा रहता है कि क्लचर लगा दिया या फिर पूरे बाल ऊपर करके जूड़ा बना के क्लचर लगा लिया तो बस बन गए बाल। लेकिन उससे क्या होता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल रफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें कंघी नहीं करेंगे तो। लेकिन कई बार मेरे साथ अक्सर इस तरह से ही होता है, मैं बाल बहुत कम मतलब कंघी कर पाती हूँ। कर ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता है, मन ही नहीं करता है इस वजह से, लेकिन कभी कभी होता है बाल बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बाल ऑयली हो जाते हैं ना तो फिर अजीब से लगते हैं वो। तो आज फिर मैंने अपने बाल बुल बना लिए हैं, शायद मुझे लग रहा है हेयर वॉश करा था उस दिन कर रही थी, उसके नेक्स्ट डे मैं अपने बाल बना रही हूँ। और यहाँ पर आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो आशी और सिया की जहाँ पर मैं कपड़े रखती हूँ हल्के फुल्के वाले जो उनके डेली वेयर रहते हैं, वो मुझे अलमीरा जो है आज सेट करनी है। मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ ना कि सेट करनी है सेट करनी है, लेकिन क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन सामने दिखती भी है कि ख़राब होती जा रही है, करना है करना है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग एक दिन कुछ फिर ऐसा आता है ना कि हम बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं आज तो हमें करना ही करना है। तो आज वो दिन आ ही गया था कि जब मैंने सोचा कि नहीं आज तो करना ही करना है, तो मन में रोज़ रहता है कि करना है, लेकिन हम एक दिन मतलब मन में ठान लेते हैं ना कि करना है, तो वही दिन आज था, मैंने ठान लिया था कि ये करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम ऐसे फैलावा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जबकि टाइम उतना लगता नहीं है। चीज़ें सिर्फ इधर से उधर हो ही रहती हैं, उनको मैनेज करके रखना पड़ता है, और कई बार मैं निकालती हूँ, कई बार बच्चे भी निकालते हैं ना, तो बच्चों के साथ क्या है, कभी कभी रख देते हैं और ज़्यादातर वो नहीं रख पाते हैं, उनको अभी इतना पता ही नहीं है कि हमें कपड़े किस तरह से रखने हैं या किस तरह से बास्केट में से निकालने हैं। उनको जो चाहिए होता है वो फटाफट निकाल लेते हैं, और ऊपर वाला गिर रहा है तो वो गिर रहा है, होता है बच्चों के साथ, अभी छोटे भी हैं इस वजह से। तो बस मैं ऐसे करके फोल्ड अच्छे से फोल्ड करके कपड़े इनके अच्छे से लगा रही हूँ। और एक अलमीरा इनकी और है, वो मैं अब एक दिन बीच में फिर ठानूंगी कि मुझे करना है, तो उस दिन वो भी क्लीन कर दूंगी मैं अच्छे से, फिर मुझे अपनी अलमीरा भी साफ़ करनी है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मतलब कुछ कुछ दिनों में मैं पूरी अलमीरा ठीक कर दूंगी, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता है, फिर बहुत फैल जाता है, फिर दूसरे भी काम होते हैं इस वजह से। तो सिया, हाँ आशी अंदर बैठ गई होगी बेटा, है कॉफी दादी दे रही होगी। तो सिया यहाँ पे बैठी हुई है, और सिया का फेवरेट जो है ना, क्या बोलते हैं सिया इसको, फेवरेट पता नहीं क्या है, खतरा 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 सिया देख रही है, ये सिया का फेवरेट है, ये सुबह भी देखती है ये, और यही देखती है, खूब हंसती है सिया है, खूब हंसती है देख के। तो भारती का जो आता है ना खतरा खतरा खतरा, वो ये देखते हैं, वही देख रहे हैं इधर। बस अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने, टाइम अभी हो गया है 12:15 बजने वाले हैं, और ये मम्मी मट्ठा लेकर आई है, तो दाल बची हुई है थोड़ी सी ना, तो मम्मी कहती थी मट्ठा, पहले मैं सोची थी आशी और सिया को भेज देती हूँ, फिर मम्मी ने कहा मैं ये लेकर आ जाती हूँ, तो ये दो छाछ के पैकेट मम्मी लेकर आई है, और इसका बनेगा अभी वो क्या बनेगा, झोली बनेगी, और क्योंकि ना दाल बची हुई है ना इसलिए हम आज यही बनाएंगे। और चले गया मम्मी ने अभी पूरा क्लीन करा ये टाइल्स वगैरह ना, अभी मम्मी ने ये मम्मी अभी साफ कर रही थी, तो फिर शायद ये गैस कम हो गया होगा, अभी ठीक हो गया है। तो चलिए झोली बनाते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है ये है मट्ठा, तो बस झोली बनाते हैं, शायद देखती हूँ मैं एक ही मट्ठे की बनाती हूँ, क्योंकि दाल भी बची हुई है। और पहले मैं सोची थी मैं राजमा बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया अगर मैंने राजमा बनाई तो फिर अरहर की जो दाल है ना वो कोई नहीं खाएगा, फिर वो वेस्ट रहेगी, वेस्ट तो वैसे नहीं होती, हम लोग आटे में मिक्स करके भी पराठे वगैरह से बना देते हैं, लेकिन अभी फिर यही था कि वो फिर कल फिर बहुत लेट हो जाता है ना, मतलब हम लोग ऐसे खा लेते हैं रात का सुबह खा लेते हैं या सुबह का रात को खा लेते हैं, लेकिन फिर उससे ज़्यादा तो वैसे भी गर्मी है तो फूड पॉइजनिंग का डर रहता है इस वजह से, तो मैंने कहा उसको अभी खा लेते हैं राजमा, फिर कल संडे भी है, सैटरडे कल संडे है, तो फिर कल हम वही खाएंगे। आज आशी की छुट्टी थी, सिया का स्कूल था, लेकिन सिया स्कूल नहीं गई है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है इनकी, थोड़ा सा गेम्स वगैरह होता है, फन डे होता है इनका, लेकिन वो आज गई थी मम्मी, मुझे भी नहीं जाना है तो फिर नहीं गई ये। मैंने कहा चल ठीक है, तो पहले मैं सोची थी आशी और सिया को भेज देती हूँ मट्ठा लेने के लिए, लेकिन वैसे इतना दूर नहीं, हमारी दुकान बहुत ही पास है, लेकिन मम्मी का जब मैं ही ले आती हूँ तो कभी कभी भेज देते हैं, कभी कभी नहीं भेजते हैं, थोड़ा सा जब शाम को ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाती है तब तो ये रहता है कि चलो उनके साथ घूम रही है, लेकिन अभी ऐसा अकेले भेज रहे हैं, थोड़ा सा मम्मी को भी बोलता है मुझे भी होता है,
जबकि ये भी थोड़ा थोड़ा भेज देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे सीखते हैं। कई बार भेज देती हूँ मैं, कई बार अभी तो मम्मी चली गई थी क्योंकि हस्बैंड जिस टाइम पे गए ना उस टाइम पे मेरे ध्यान नहीं रहा इनको बताने का, तो अभी मम्मी लेकर आ गई है। तो बस अब बनाते हैं झोली, और हमारा कैंडी यहाँ पे बैठा हुआ है, गर्म हो रहा है उधर ना, जहाँ ये बैठता है ना वहाँ पे अभी गर्म हो रहा है। ये देखो हमारा कैंडी, अरे मेरा बच्ची, अरे मेरा कैंडू, कैंडू हाय कर दो, कैंडू हाय कर दो बच्चा। हाँ हाँ, ये देखो लाड में आ रही है, ये देखो हमारी लाड में आ रही है, लाड में, ये देखो लाड में आ रही है। कैंडू शेक हैंड, कैंडू शेक हैंड दे दो, गुड गुड। इसके एक आईज में देखो काजल लगा हुआ है। ये यहाँ पे पंखा खोल के मस्त पड़ी रहती है यहाँ पे, मतलब सोई रहती है, फिर दिन भर सोई रहती है, अच्छा बच्चा है। तो चलिए मैं अब जो है होली चढ़ा देती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जो मिर्च बनाया था ना अचारी मिर्च, वो इतनी सी रह गई है। तो इस तरह से ना मिर्च ना खाई जाती है, वैसे तो हम लोग इतना तीखा वगैरह नहीं खाते हैं, तो जो हमारा सिंपल सा खाना रहता है ना उसमें ये थोड़ा सा तीखापन ले आता है। तो बस ये फिनिश होने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया था ताकि बस फटाफट हम लोग खाएँ फिर दोबारा भी बना दें। तो बस अब ये बस एक दिन के लिए लग रहा है मुझे, सिर्फ इतना रह गया है। और मुझे कमेंट आया था कि आप उसमें चूल्हे पे ना कढ़ी बनाना, तो हमने कढ़ी बनाई थी एक बार ना, तो बहुत चूल्हे की कढ़ी तो है बहुत टेस्टी होती है बहुत ज्यादा, तो गौर से दोबारा बना लेना। तो ठीक है, कभी देखेंगे हम दोबारा से बना देंगे, और लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है, बिल्कुल अलग आता है, मतलब मजा आता है खा के। जो लोग रोज चूल्हे का खाना खाते हैं उनको तो और भी अच्छा लगता है, चूल्हे की रोटी और चूल्हे पे बना हुआ हर खाना बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए मैं झोली बना देती हूँ, और क्या बोलते हैं आज, हाँ आज सैटरडे है तो कल है संडे, और शायद मतलब हम लोग वहाँ जाए, सोनू के आ जाए, मेरी छोटी बहन के आ जाए शायद से, पक्का पता नहीं है। तो वो बोलती कि तुम लोग आते नहीं हो, और फिर वो भी नहीं आई, फिर तुम लोग भी आते हो तो फिर हम नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हो। तो फिर यहाँ से क्या हो जाता है ना, सिर्फ जाने का होता है, लेकिन उससे मुझे बता दिया है शायद ऐसे गाड़ी जाती है यहाँ से, कहते हैं एक्टिवा पे, फिर मैं चार चार जैसे आशी थी है, मम्मी है, अब मम्मी का पक्का हो नहीं रहा है, मम्मी बोल रही कि तुम चल जाना, तो देखते हैं अभी क्या होगा। मुझे पक्का पता नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, शाम तक पक्का हो पाएगा कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो फिर मैं आपको सोनू से मिलाऊंगी, इसकी छोटी गुड़िया और दक्ष से मिलाऊंगी। तो क्योंकि अभी आजकल तो वो ब्लॉग्स नहीं बना रही है, मैं उसको बहुत बोलती हूँ तो ब्लॉग्स बनाया कर, मैंने अभी तो उसके मेरे पास यूट्यूब पे पेज पे आ रखा था उसका एक ब्लॉग, बहुत पुराना 2 साल पुराना ब्लॉग आ रखा था, मुझे देख के इतना अच्छा लगा, दक्ष इतना छोटा लग रहा था उसमें, तो मैंने उसको बोला यार बनाया कर, फिर वो बोली यार बनाने का मन तो करता है लेकिन फिर वही बच्चों के साथ छोड़ता हो जाता है, और वो है भी खैर अब तो उसकी जो नित्या है उसकी बेटी है वो खड़े होने के चलने लगी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर कल हम लोग गए जा पाए तो ना, तो देखेंगे अभी मम्मी को फोन करूंगी, मम्मी आती कि नहीं आती, इधर मम्मी कभी पक्का नहीं है अभी, तो जो भी होगा फिर आपको पता चल जाएगा। क्या हुआ ना, मैंने पहले बेसन डाल दिया, वैसे पहले मैं मट्ठा डालती हूँ फिर बेसन डालती हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि इसमें ना लम्स पड़ गए हैं, अभी काफी हद तक तो मैंने हटा दिए हैं, काफी मैं ऐसे करके हटा रही हूँ, तो ऐसे भी फटाफट तो जाते हैं, ये देखो हो गए ना, और अब तो काफी हट गए हैं। तो हमेशा पहले मट्ठा डालती थी, आज मैंने दिमाग में पता नहीं क्या हुआ बेसन पहले डाल दिया, तो ये लेकिन कोई नहीं बस हो गया ये, और अभी थोड़ा पकते पकते भी हो जाएगा बस। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है झोली के लिए, अब मैं इसको डायरेक्ट ना कढ़ाई में डाल दूंगी,
तो मैं आजकल ना कुछ अलग तरीके से छोले बनाती हूँ, बिना ऑयल के बनाती हूँ। पहले लास्ट में उसमें तड़का लगाती हूँ और कभी कभी मैं इसमें आलू भी मिला देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। आलू वैसे प्याज के साथ भी फ्राई करके डालो ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल देती हूँ आलू, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक बार मैंने आलू की पकौड़ी अपने घर में बनाई थी, मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बड़ी वाली को, कि तूने क्या डाला, तो फिर मैंने सिर्फ कच्चे आलू डाल देती हूँ। वो जैसे कढ़ी पकती रहती है तब तक आलू भी पक जाते हैं और अच्छे लगते हैं। ज़्यादा आलू नहीं, बहुत कम आलू डालो ना तब अच्छा लगता है। ज़्यादा आलू तो फिर हर बाइट में आलू आएगा वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो चलिए ये तो हो गया है, अब जरा तो मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और अभी मैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाल रही हूँ, सीधा डायरेक्ट इसमें कढ़ाई में डाल के इसको पकाऊंगी और लास्ट में तड़का लगाऊंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही बनाएं या बनाते होंगे, बहुत से लोग अभी इतना एक चम्मच ऑयल भी डाल देते हैं, मैं भी डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन आजकल मैं ऐसे ही बनाती हूँ बिना ऑयल के। और उसके बाद मैं इसमें लास्ट में तड़का लगाती हूँ और इसमें कसूरी मेथी और लौंग, लौंग में मुझे सोनू ने बताया था कि लौंग डाल के फसल टेस्ट आता, तो मैं लौंग डालती हूँ, एक या दो लौंग डाल देती हूँ। कसूरी मेथी डाल दो और लास्ट में इसमें तड़का लगाओ, लाल मिर्च का खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वैसे ही बनाऊंगी। यहाँ पे मोटर खुली है, मोटर को मैं बंद करने जा रही हूँ। और धूप देखो कितनी तेज हो रही है आज, क्या रोज ही धूप बहुत तेज है, बहुत तेज। झोली बन गई है, कड़ी मतलब, काफी लोग बोलते हैं पूजा आप झोली की बोलते हो, तो कड़ी झोली जो भी है वो बन चुकी है। यहाँ पे मैंने गैस जो है वो ऑफ कर दी है क्योंकि काफ़ी देर से पक रही है ये, और यहाँ पे इसका तड़का जो है वो रेडी हो रहा है। तो इसमें मैंने अभी वैसे ये हो गया है, मैंने ना गैस तेज कर दी थी, तो वही हींग जीरा मेथी और साथ में प्याज और लहसुन कड़ी पत्ता ये ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड करूँगी तड़के में, लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती क्योंकि फिर बच्चे भी खाते हैं ना, इसलिए ये ऐड कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे ये है कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी भी इसी टाइम पे कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गैस ऑफ कर देती हूँ, फिर तो चल जाएगा। तो ये बस फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। इस टाइम पर लास्ट में ऐड करो ना ताकि जले ना वो, अच्छी खुशबू आती है। इसके अंदर मिक्स कर देंगे और जितना भी इस पैन में है ना ये सब भी मैं हटाऊंगी झोली इसमें ऐड करके। हमारी रेडी हो गई है, आपको कलर थोड़ा कम लग रहा हो कि मैंने लाल मिर्च कम डाली है, वो तीखी वाली है ना इस वजह से, बाकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी टाइम ठीक 1:30 बज रहे हैं और हमारा लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है, झोली बन गई है। ये मसालेदानी वगैरह मुझे हटानी है, जो भी मसाला है, और थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा भी मारना है क्योंकि गिर जाते हैं जब हम बनाते हैं ना, गिरता रहता है, तो फिर इसमें कपड़ा ही मारना है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड पे, क्योंकि कपड़े अभी तक मैंने डाले नहीं है। आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं तो टेंशन नहीं रहती है, सर्दियों में बहुत इस चीज़ की टेंशन रहती है कि कपड़े नहीं सूखेंगे, हमें चाहिए कल चाहिए या होता है ना कई बार, लेकिन अभी गर्मी में कुछ भी इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है कि कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। नेक्स्ट डे तक वो बहुत आराम से या शाम तक ही सूख जाते हैं, धूप बिना धूप के मैं धूप में कपड़े नहीं सुखाती हूँ क्योंकि फिर कलर वगैरह पेड़ होने का वो रहता है, इसलिए तो बस वही है। तो चलिए लंच अभी मैं सैलेड काटूंगी जब मैं कपड़े वगैरह सुखाने डाल दूंगी उसके बाद, और आपसे मिलूंगी अब मैं शाम को। हम लंच कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद शाम को मिलती हूँ आप सबसे मैं। और अभी मुझे देखना भी है, सोन के जाना है, इसलिए मम्मी से ही बात करूँ, मम्मी जा रही है कि नहीं जा रही है, तो पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो फिर मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा। और जो ये ब्लॉग है ये मुझे जल्दी एडिट करना पड़ेगा क्योंकि कल फिर टाइम नहीं लगेगा अगर वहाँ जाएंगे तो, इसलिए ना। और ये बाल जो ये वाले रहते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना देख के, ये ऐसे पता नहीं छोटे छोटे बाल है ना,
तो ये उड़े उड़े से रहते हैं यहाँ पे, बल्कि मैंने आप देखो कि क्लिप भी लगा रखा है, फिर भी वो पता नहीं निकल जाता है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं यहाँ साफ करती हूँ, फिर कपड़े वगैरह दिखाती हूँ, आपसे मिलूंगी अब थोड़ी देर में।